नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। उत्तर प्रदेश में जब निजाम बदलता है तो विकास की रफ्तार भी थम जाती है। 6 साल पहले जब सपा सरकार थी तो अयोध्या और बस्ती के बीच में एक पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब वो कार्य रुक गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में घाघरा नदी के किनारे माझा क्षेत्र की लगभग 20,000 की आबादी पुल का अप्रोच न बनने के कारण दुश्वारियां झेल रही है। बस्ती और अयोध्या जिले के सीमा विवाद में पुल का अप्रोच नहीं बन पा रहा है। लगभग 6 करोड़ की लागत से 6 साल में पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन माझा क्षेत्र के 21 गांव के ग्रामीण का आवागमन की दुश्वारियां कम नहीं हुई। 2014 में सपा सरकार ने पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। साल 2020 में पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच नहीं बन सका। माझा क्षेत्र के गाँव के ग्रामीणों को पुल बनने से उम्मीद थी कि अब उनकी आवागमन की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन किस तरह से पैदल, साइकिल, दोपहिया वाहनों से आवागमन कर रहे ग्रामीणों को यह चिंता सताने लगी है कि पुल का अप्रोच नहीं बना तो बरसात के दौरान उन्हें आवागमन की दुश्वारियों का फिर से सामना करना पड़ेगा। बस्ती और अयोध्या जिले के सीमा विवाद ने माझा क्षेत्र के 21 गांव के विकास की रफ्तार को रोक रखा है। बारिश और बाढ़ प्रभावित माझा क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर पुल का अप्रोच निर्माण न होने से ग्रहण लग गया है। पुल के निर्माण कार्य की रफ्तार ऐसी रही कि उसे पूरा होने में 6 साल लग गए। पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके लाभ से क्षेत्र के लोग वंचित हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर बारिश से पहले पुल के अप्रोच का निर्माण नहीं हुआ तो हजारों की आबादी के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाएगा। सर, बॉर्डर का मामला है बस्ती फैजाबाद का, इसलिए रोक रहे हैं फैजाबाद के। अच्छा, फैजाबाद के लोग रोक रहे हैं, तो इसकी पैमाइश वैमाइश कभी हुई है? इसकी पैमाइश हुई है। तो क्या हुआ? वो समूह सर्वे हो गया उसमें। अच्छा, पुल बन जाने से कितने लोग को लाभ होगा इससे? पुल बनने से यहाँ बहुत आदमी को लाभ है, आने जाने की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये पुल नहीं था तो फिर क्या समस्या होती थी? नहीं, भर जाने पर नाव से आना जाना पड़ता था। अच्छा, कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? वही नदी है जो दरिया है। क्या नाम है? विद्या आला। घाघरा। अच्छा, घाघरा। अच्छा, तो फिर जैसे मान लिया आप लोगों को समस्या होती है स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए, दवा के लिए, फिर क्या दिक्कत होती थी? कैसे? हर एक चीज की समस्या है सर। नहीं, क्या समस्या आ रही थी जिसे? कहाँ ले जाते थे? क्या होता? स्कूल बंद हो जाता है। हाँ, बाढ़ में। अच्छा, बच्चे को परेशानी हुई तो यहाँ से नाव से जाए, उसके बाद वहाँ दवा होती है। दवा के लिए आप कहाँ जाना पड़ता था? यहाँ माया या बाकड़गंज। रोका जाता रहा, लेकिन साहब डायरेक्ट बनक चाहिए एकदम डाड़ी तक। नहीं तो कौन रोक रहा है इसको? अरे फैजाबाद वाले। नहीं, क्यों फैजाबाद? ये जमीन फैजाबाद की है कि बस्ती की? वो कहते हैं हम फैजाबाद में है। अच्छा, लेकिन हमारे सब कहते हैं फैजा बस्ती में है साहब, माझा किता हुआ। अच्छा, नपाई भी हुई है कभी? हाँ, नपाई हुई है, सर्वे हो गया साहब। यहाँ पे ये अप्रोच रोड बनने को लेकर के कुछ विवाद है, तो उसी विवाद को हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि मौके की स्थिति क्या है और प्रयास किया जाएगा कि इसका शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाल लिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।